कांग्रेस सरकार गरीब वंचित शोषित के लिए हर जगह महंगाई बढ़ा रही है। आप सब जानते हैं कि डीजल की प्राइस इन्होंने बढ़ाई, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर महंगाई जो गरीब वंचित शोषित को राशन मिलता था तेल दाल वगैरह उसमें भी इन्होंने बढ़ोतरी की है। और सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश की कोरोना पेशेंट की सेवा की थी, जब परिवार वालों ने यार दोस्तों ने सरकार ने और सब ने जब दिक्कत आई तो कोरोना जितने भी वॉरियर थे हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्होंने पेशेंट की इतनी सेवा की कि हिमाचल प्रदेश में डेथ रेशो बहुत कम हुई और आज वो सड़कों में घूम रहे हैं। और जब हिंदुस्तान और दुनिया में कोरोना आया था उस टाइम उनकी सब जय जयकार कर रहे थे और उन्होंने लाखों लोगों की हिमाचल प्रदेश में जान बचाई। आज वो दो टाइम की रोटी के लिए सड़कों में घूम रहे हैं और उनको नौकरी से निकाला है, ये बहुत ही दुखद है। और इस सरकार में जो वायदे किए थे कि 5 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश में हर जगह हर सेक्रेटेरिएट के बाहर युवा पीढ़ी धरने दे रही है और नौकरी से निकाला जा रहा है, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट वालों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16